हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आज बनाऊंगी एग करी, लेकिन एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। एक छोटे से ट्विस्ट से अंडे के अंदर भी आएगा मसालों का स्वाद। और कई छोटे छोटे टिप हैं जो एग करी बनाते समय और उसके अलावा भी आपके किचन के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू कर देते हैं बनाना। एक कुकर लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे 4 चम्मच। तब तक हम 6 अंडे को बॉयल करने एक तरफ चढ़ा देंगे। अब दे देंगे इसमें फटाफट से तड़का। तड़के में डालेंगे 2 तेज पत्ते, 2 खड़ी लाल मिर्च और कुछ नए फ्लेवर में छोटी इलायची का पाउडर, शाहजीरा और दालचीनी पाउडर 2-2 चुटकी, बराबर मात्रा में है तीनों, शाहजीरा, छोटी इलायची पाउडर और दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास दालचीनी पाउडर ना हो तो आप खड़ा दालचीनी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 3 प्याज महीन चॉप किया हुआ और 1 पूरा लहसुन और 2 टुकड़े अदरक के साथ में चॉप किया हुआ है, इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। चॉप करने के लिए आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसमें अनियंस और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चॉप हो जाती हैं। अब इसमें 2 से 3 टमाटर का प्यूरी पेस्ट बना करके डाला। अब फटाफट से दे देते हैं इसमें मसालों का स्वाद। 2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। सारे मसालों का फ्लेवर आप समझ गए। मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालना है, धनिया, और इसमें मैंने डाला है 1 चुटकी हींग। कुछ लोगों को अंडा खाने से एसिडिटी बनती है तो वो अंडे खाने को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को, जिन लोगों को भी एसिडिटी बनती है उनको नहीं बनेगी एसिडिटी हींग डालने से। अब ये अंडे बॉयल हो चुके हैं, इसमें फोक से इस तरह से हमें लग कर लेना है ताकि अंडे में नमक और मसाले अंदर तक भिन जाएं। अब फ्राई करते समय कुछ ऐसे मसाले डालेंगे जिसे अंदर तक अंडों में पूरे मसाले का और एक करी के मसालों का फ्लेवर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंडों को फ्राई करना। फिर से लिया सरसों तेल 2 से 3 चम्मच, सरसों तेल को गरम कर लिया और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, सब कुछ आधे आधे चम्मच। यहाँ पे 6 अंडे मैंने बॉयल किए, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग एग करी खाते हैं तो उसमें नमक का स्वाद अंदर तक नहीं आता है, या फिर अगर हम लोग एग करी खाते हैं तो अंडे ऐसा लगता है कि एग करी में वो बॉयल्ड अंडे हैं सिर्फ, अंदर कुछ भी फ्लेवर नहीं होता है, सिर्फ उसकी ग्रेवी में फ्लेवर होता है। तो ये मैंने डाला थोड़ा सा लहसुन अदरक कुचा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सरसों तेल में अंडा फ्राई हो जाएगा तो फिर ये तेल वेस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए भी एक टिप है, इस तेल को हम वेस्ट नहीं होने देंगे, इसे एक करी बनने के बाद तड़के के रूप में यूज़ कर लेंगे। इस तरह से 6 अंडे यहाँ पर बॉयल किए हुए मैंने डाल दिए और इसे हिला करके इसे रेड होने तक इसे हमें फ्राई करना है मीडियम आंच पे। बहुत तेज आंच नहीं करना है, नहीं तो ये जो अदरक लहसुन हमने कूटे हुए डाले ये जल जाएंगे और इससे जो हम इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेवर ख़राब हो सकता है, तो इसे मीडियम आंच पे ही करना है अंडे को फ्राई। हाँ, तो मैं बता रही थी कि बहुत सारे जगह हम लोग अगर एक करी खाते हैं तो उसमें अंडा लगता है कि हम इसे बॉयल किया हुआ खा रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप एक करी बनाइएगा तो सबको ये अंडे के अंदर मसालों का भी फ्लेवर आएगा। इस तरह से देखिए अंडे थोड़े थोड़े से ब्राउनिश हो गए हैं, अभी अंडे लाल हो गए, अब तक मसाले भी भून करके तैयार हो गए हैं। मसाले भूनने की सही पहचान होती है कि मसाले तेल छोड़ देते हैं, तो ये मसाला भून करके तैयार हो गया। ग्रेवी को थोड़ी गाढ़ी रखेंगे और ग्रेवी 1 सीटी लगा करके कुकर बंद करके लगा देंगे। इस तरह से ये ग्रेवी तैयार हो गई। धनिया पत्ती गार्निशिंग कर लिया, अंडे डाल दिए और वो जो हमने सरसों के तेल यूज़ किया था वो सरसों का तेल भी इसमें डाल दिया, जो तड़के की तरह यूज़ किया, और ये अंडे के अंदर मसाले के स्वाद वाली मज़ेदार यम्मी एक करी तैयार हो गई। अब इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ अपने गेस्ट को, अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। एक करी की ये यूनिक रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो पे लाइक बटन एवं कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे और वीडियो बनाने की अप्रिशिएशन मिलती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी और भी नॉनवेज रेसिपी मैंने इस चैनल पर शेयर की हुई है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके और भी नॉनवेज रेसिपी देख सकती हैं, जिसमें कि अंडा, चिकन, मटन और फिश की रेसिपी शेयर की हुई है। अंडे की 2-3 बहुत ही यूनिक रेसिपी है, जैसे कि एग पिज़्ज़ा, मसाला ऑमलेट, इस तरह की, और बच्चों की फेवरेट रेसिपी मैंने शेयर की है। इस तरह से देखिए धनिया पत्ती और लाल मिर्च, तेज पत्ता, ये सब गार्निशिंग करके एक करी आप जब सब सर्व करोगे तो खाने वालों को ना सिर्फ खाने में बल्कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्लेटिंग और सर्विसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है खाना खिलाने के लिए। तो इस तरह से बहुत अच्छे से सर्विसिंग करिए और एक करी का फ्लेवर आपको भी पसंद आएगा, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।